राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते आरएलपी पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बानसूर पहुंचे। यहां उन्होंने बानसूर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी आबादी पार्टी के प्रत्याशी रोहित शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार और बजरी माफिया का आतंक है। इसी क्रम में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आपने कांग्रेस और बीजेपी को वोट देकर देख लिया है कि इस बार आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रोहिताश शर्मा को वोट दें, वो किसान मजदूर और आम जनता के हितों की रक्षा करेंगे। इनको भाजपा के लोगों ने इनका अपमान किया, इनको आजाद समाज पार्टी को सम्मान देने का काम किया। क्यों दिया सम्मान? क्योंकि इस व्यक्ति के अच्छाई बुराई देखी जाती है। मैंने रोका जी की खबर मेरे पास आई तो मैंने नीचे लोगों से पूछा, अपने लोगों से कि बताओ रोहताश जी ने कैसा काम किया, तो लोगों ने किसी ने बुराई नहीं की। ये कहा कि अगर रोहताश जी को मौका मिला तो क्षेत्र में विकास होगा और हर वर्ग की बात होगी, किसी को निराशा नहीं होगी। और जो आज चल रहा है कि अपने कर्मचारी को लगाओ से लूट मचाई करवाओ, किसी भी गलत कर्मचारी को रोहताश जी ने कभी अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया। ईमानदार कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में रखा और उनसे कहा कि जनता की सेवा करो। और एक बात जो मुझे आपसे कहनी होगी, और आप जो भागीदारी की बात कर रहे हो, पूरी सत्ता आपकी होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर रात को नहीं उड़ता, इसलिए थोड़ी थोड़ी जल्दी में हम बात से बात करेंगे। मुझे रोज सुनते हो, फिर सुनोगे आप। हम तीन नेता खड़े, अगर किसी को लगे कि हमाम को वोट देने का मन कम है, चंद्रशेखर जी आजाद को दे देना, केतली का चिन्ह है कि नहीं केतली। और किसी को लगे कि रोहताश जी से नाराज है, मुझे देख लेना, चंद्रशेखर जी को देख लेना। हम तीनों